Hey everyone, this is Rutvija and welcome back to my channel Viewfinder Vlogs. Today I am here at Gabriel Motorcycles to feature a bike which was a Suzuki Intruder 150 when it came straight through that door. पर जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, एवरी बाइक दैट गेट्स आउट ऑफ दिस वर्कशॉप इज़ एन आर्ट वर्क इन इटसेल्फ, और ऐसा ही कुछ इस बाइक के साथ हुआ है जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ इस बाइक को फीचर करने में, बिकॉज दिस बाइक हैज़ लेफ्ट मी एब्सोल्युटली स्पीचलेस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई विल टेक यू स्ट्रेट टू द बाइक. Alright guys, so you are looking at India's first ever and only completely modified Suzuki Intruder 150. Gabriel Motorcycles ने हर प्रोजेक्ट की तरह इस बाइक पर भी अपना जादू चला दिया है. तो शुरुआत करते हैं इस बाइक के मॉडिफिकेशन की लिस्ट के पहले मॉडिफिकेशन से, जो है इसका बॉडी वर्क. The plastic cladded cruiser bodywork of Intruder 150 has been replaced with a custom fuel tank and a floating seat. Together they make the bike look really good and attractive. Also, the fuel tank gets side glasses on both sides and a brass rim on top, which together make the tank look really unique. इस बाइक के सारे फुट पेग्स और फुट ऑपरेटेड लीवर्स ब्रास में बनाए गए हैं. इसी के साथ इस बाइक में एक कस्टम हैंडल बार दिया गया है. इस हैंडल बार के ग्रिप्स भी ब्रास के बने हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिप देते हैं. The bodywork, which is finished in green and black, along with the brass accessories, give bike a very unique look. Also, the wide handlebar and floating seat give a comfortable riding posture while making the bike a head turner. इस बाइक में सामने की तरफ स्टेनलेस स्टील के माउंट्स पर एक कस्टम फेंडर माउंट किया गया है. इसी के साथ इस बाइक का पिछला फेंडर भी कस्टम मेड है और शॉर्ट बनाया है. फेंडर्स के अलावा इस बाइक का चेन कवर और स्विंग आर्म कवर भी कस्टम मेड है. The exhaust system on this bike is entirely custom made. It has a split exhaust with 6 ports and it's my personal favorite. This bike is not only modified but is re-engineered. और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस बाइक का रियर मोनोशॉक. इस बाइक के रियर मोनोशॉक सस्पेंशन को रीपोजिशन किया गया है, जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है और अपना काम बखूबी निभाता है. इसी के साथ बाइक के फ्रंट सस्पेंशन को भी अपग्रेड किया है 43 mm अपसाइड डाउन फोर्क से, जो कि शॉक एब्सॉर्बिंग का काम बहुत ही अच्छे से निभाते हैं. द फ्रंट डिस्क ब्रेक हैज़ बीन अपग्रेडेड टू अ 300 mm यूनिट विच ऑफर्स ग्रेट बाइट एंड गुड ब्रेकिंग फोर्स. इस बाइक में सामने की तरफ 100/90 18-inch टायर दिया गया है, जहाँ की पिछली तरफ 140/90 15-inch टायर दिया गया है. इस बाइक के इंजन में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं किए गए, पर इसके रियर स्प्रॉकेट को चेंज करके इसकी टॉर्क डिलीवरी को और बेहतरीन किया गया है. द अपग्रेड इन सस्पेंशन, टायर्स एंड ब्रेक्स मेक्स द बाइक रियली स्टेबल एंड स्मूथ फॉर राइडिंग. ऑल्सो द इंक्रीज टॉर्क डिलीवरी मेक्स दिस बाइक एब्सोल्यूट फन टू राइड. Not only in the broad daylight, but the bike feels equally attractive in the dark as well. The bike gets Fox air boxes on both sides, which illuminate as the background of Gabriel Motorcycles logo. Air box के अलावा इस बाइक के कस्टम स्विंग आर्म और चेन कवर में भी लाइट्स दिए गए हैं, जो कि बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं. इस बाइक में सामने की तरफ एक कस्टम रेट्रो लुकिंग हेडलाइट भी दिया गया है. But the real illumination job is managed by twin projector setup, which are mounted on the shrouds of tank, and they also come with a blinker function for pass light. The bike also gets a nice looking LED strip under the seat. इस बाइक के इंडिकेटर्स और टेल लाइट को भी एलईडी से अपग्रेड किया गया है। To sum the things up, I can say that this modification has came out to be mind-bogglingly beautiful so that it looks nowhere close to a Suzuki Intruder 150. ना सिर्फ एस्थेटिकली पर अर्गोनॉमिकली भी इस बाइक को इस तरह मॉडिफाई किया गया है कि इसका परफॉर्मेंस पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ा। इन सब मॉडिफिकेशंस के अलावा इस बाइक में एक डिटैचेबल रियर सीट का ऑप्शन भी दिया गया है। इसी के साथ इस बाइक को सिरेमिक कोट भी करवाया गया है। This bike is actually a special project which is made according to the likes and taste of the customer. इस बाइक के सारे पार्ट्स Gabriel Motorcycles में in-house बनाए गए हैं। Rather than modification, re-engineered is a more suitable word when it comes to this bike. Lastly, I can confidently say that Gabriel Motorcycles has once again succeeded in building a project which makes every passerby stand and ogle at its beauty and give a second look before leaving without forgetting. Alright guys, so that was all about this beauty. अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पर लाइक करें, अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डालें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर मैंने इस बाइक की फ़ोटो भी डाली है तो विदाउट फॉरगेटिंग चेक देम आउट ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा हैंडल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। With that said, this is Rutvija signing off. See you again in next video. Till then, ride safe, take care and bye-bye.